उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने औद्योगिक सलाहकार रहे केएस पंवार के स्वजन से संबंधित सोशल मीडिया म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी से 180 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में खानपुर विधायक उमेश कुमार को एक बार फिर हमला बोला है। विधायक उमेश कुमार ने रुड़की स्थित अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी जाने का विरोध करते हुए कहा कि ईओडब्ल्यू सरकार के अधीन है, ऐसे में जांच का निष्पक्ष होना संभव नहीं है, इसीलिए इस मामले की जांच ईडी या फिर सीबीआई से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। खानपुर से सुशील कुमार झा की रिपोर्ट। सत्रह से 2019 के अंत तक इस कंपनी के अंदर लगभग 180 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट जमा किए गए। मुझे इस कंपनी की गतिविधियों पर शक था क्योंकि इसके संबंध में मैंने एक बार पढ़ा था कि आरबीआई ने एक पत्र लिखा है, वो खबर भी मैंने पढ़ी थी कि आरबीआई ने कहा था कि इनका नाम लेकर आरबीआई ने कहा था कि ये कंपनियां उत्तराखंड राज्य में आपराधिक और गलत गतिविधियों में संलिप्त हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। उसमें चीफ सेक्रेटरी ने इसके संबंध में एक आदेश भी जारी किया था, जो रातों रात आदेश भी गायब हो गया और पता भी नहीं लगा कहां गया सब कुछ। 2018 की बात।